खबर शामिल करते हैं शोएब बुराया की। ढेंगी मच्छर के मुलाजमीन ने गुजरांवाला में एहतजाज किया। एहतजाज इसलिए किया गया क्योंकि ना तो उन्हें मोबाइल मुहैया किया गया और ना ही इन्हें छुट्टी मिलती है। अगर छुट्टी की गुजारिश की जाए तो बहुत जलील ख़वार किया जाता है। मजीद बताएंगे हमारा नुमाइंदा शोएब गुराया। जी शोएब गुराया, आगाह कीजिए, सूरत हाल क्या है वहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आर एन न्यूज़ के साथ शोएब गुराया। आज हम गुजरांवाला के इलाके जेल के कोने के पास मौजूद हैं, जहाँ पे आवाम एहतजाज पे उतर आई है। आवाम का यही कहना है कि जो डेंगी के कारीगर हैं उनका यही कहना है, उनका एहतजाज इस चीज़ का है कि जो हमारी भी सुनी जाए, हमारे भी कायदे हैं, हमको भी बगैर लोगों से हमको भी फ़ोन अपने दिए जाए, हमको मालूमात दी जाए। ये मेरे साथ आवाम है, ये पीछे मैं कैमरा दिखाता हूँ आपको, ये आवाम का एहतजाज है और ये आवाम का यही कहना है कि हमें अपने फ़ोन दिए जाए, हमारी सहूलियात को ज़रूर पूरा किया जाए। गुजरांवाला ये तमाम, ये पीछे नज़र आ रहा है, ये तमाम डेंगी वर्कर के मुलाजमीन हैं। हमारा काफ़ी अरसा दराज से मुतालबा चल रहा है, जिसमें हमने पहले भी एक बार एहतजाज किया है, दो तीन बार हमारी आमने सामने ऑफिस में बैठ के बात हुई है, लेकिन किसी एक बात पे भी हमारा मुतालबा है जना वो किसी पर मंजूर नहीं किया गया। हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि तमाम डेंगी वर्कर को जो सरकारी काम करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल दिए जाए। कुछ वर्कर को मिले हैं, बकाया को नहीं मिले, उनको मजबूर किया जा रहा है कि अपने ज़ाती तौर पर मोबाइल लें और वो रजिस्टर कमाएँ। और दूसरे नंबर पर हमारा जो मसला है ये लेडीज़ का और फीमेल मेल दोनों का, छुट्टी का मसला होता है तो छुट्टी नहीं मिलती, उसके बाद हमें जो ना तंग किया जाता है, दो दो घंटे ऑफिस में खड़े करके फिर जो ना एक छुट्टी मिलती है। और हमारे जो ऑर्डर हुए हैं 2012 में जिस यूनियन काउंसिल के ऑर्डर हुए हैं उन्हीं में हम पाबंद हैं ड्यूटी करने के। आर्जी तौर पर किसी को किसी यूनियन काउंसिल भेजा जा रहा है तो किसी को दूसरी यूनियन काउंसिल भेजा जा रहा है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये तमाम तर जो ना ये हमारे साथ गुजरांवाला में नाइंसाफ़ी हो रही है, फिल फोर इसको बंद किया जाए और हमारी अटेंडेंस पूरे पंजाब की तरह जहाँ जहाँ डेंगी के मुलाजम हैं वो उनकी अटेंडेंस अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में होती है, हमारी भी उसकी यूनियन काउंसिल में जाए। शुक्रिया। एएसआई मैडम आवाम से बात कर रही हैं और जानते हैं कि क्या इनकी राय है, क्या इनको एहतजाज के ऊपर इनकी अमल राय पर अमल किया जाता है कि नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि जो डेंगी के मुलाजमीन हैं इनको इनका हक दिया जाए, इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी काम करते हैं इनको मोबाइल दिए जाएँ और ये अपना काम करें। और ये इनका मतलबा यही ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है कि इनको छुट्टी दी जाए, अपने हिसाब से काम कर सके, या किसी के मुलाजमत मत करे, इनको इनका भी अपना हक है और इनका मुतलबा जो है ना वो काम किया जाए। जी फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।